ये चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है आज? बात ही कुछ ऐसी है। फिर मुझे बताओ ना बेटा, क्या बात है? वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वहां से कॉल आई है मुझे। सच? तुम्हारी नौकरी हो गई? अभी सेलेक्ट नहीं हुआ। पूरे 100 कैंडिडेट्स थे, उनमें से 20 का चुनाव हुआ है। उनमें से एक आपका बेटा दानियाल भी है। मेरा दानियाल 100 में से नहीं, लाखों में एक है। और देखना, ये जो 20 है ना, उसमें से इंशाल्लाह तुम्हें चुनेंगे जरूर। बोल इंशाल्लाह। अच्छा, दोबारा कब बुलाया उन्होंने? कल आज शाम में ना, इशा की नमाज के बाद तुम्हारे लिए एक वजीफा करूंगी। अल्लाह ने चाहा तुम्हें खुदा कामयाब करेगा। मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ मेरा बच्चा। जुलेखा, जुलेखा, तुम्हें कब से कहा है खाना लगाओ और तुम यहाँ खड़ी हंस रही हो? वरीशा के गुस्से का नहीं पता तुम्हें? और तुम अब किचन में आ ही गए हो तो थोड़ा हाथ पांव मार लो। बर्तन नजर नहीं आ रहे तुम्हें, बर्तन धो लो, इनसे तो अब काम होता नहीं। बाजी, सब कुछ हो गया, खाना भी तैयार होने वाला है। दानियाल क्यों बर्तन धोएगा? क्यों, ये कहीं का अफसर लग गया है क्या जो बर्तन नहीं धो सकता? पहले बड़े घर में तो गाड़ियां वाड़ियां संभाल लेता था, और यहां सारा दिन क्वार्टर में पड़ा फोन देखता रहता है। अच्छा है अगर तुम्हारे साथ काम में हाथ वात बटा ले तो। अब देख क्या रहे हो, बर्तन पड़े हैं, धो दो। जी, मैं धोता। बड़ी आई, दानियाल क्यों बर्तन धोएगा? दानियाल रहने दो, मैं धो रही हूं। क्यों बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है मेरा बच्चा। नहीं, छोड़ने नहीं, तुम्हें मेरी कसम, बस जाओ। देखो मेरा जान, अब कल को तुम ऑफिसर बन जाओगे, ये काम थोड़ी करोगे, और फिर माँ को भी ये काम छुड़वा दोगे ना तुम। फिर जा मेरी जान, तुझे मेरी कसम, जा मेरा भाई, जा। दुआ करेगा मेरी जान, मेरी तो सारी दुआएं तेरे लिए हैं। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कामयाब करते परवरदिगार। महक, देखो इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। तुम्हें वरीशा को समझाना होगा। मुझे लगता है जब से वो उस घर से आई है ना, तब से उसकी दादी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। अगर उसकी दादी को कुछ हो गया ना, तो हमें लाखों का नहीं, करोड़ों का नुकसान होगा। और मुख्तार और वहाज वो वरीशा को कभी नहीं अपनाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रहे हो? महमूद, तुम खुद उनके गार्ड को धमका कर आए हो, और अब तुम चाह रहे हो कि मैं वहां उनकी चौखट पर जाऊं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं और उनसे भीख मांगूं? बात को समझने की कोशिश करो महक। जब तक उन्हें यकीन नहीं आएगा कि वरीशा यहां पर गैर महफूज है, वरीशा वहां पर एडजस्ट नहीं कर सकेगी। सोच क्या रही हो? तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि वरीशा के साथ यहां पर कुछ भी हो सकता है। बुलाओ वरीशा को, मैं उससे बात करता हूं। कहां है वरीशा? वरीशा, वरीशा कहां हो तुम? जी, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? देखो बेटा, जब से तुम अपनी दादी के घर से आई हो ना, उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो मैं क्या करूं? जाओ उनके पास। प्लीज डैड, नॉट अगेन। देखो वरीशा, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ, जाना तो तुम्हें होगा, बेहतर यही है कि इस बहस को यही खत्म कर दो। ओके फाइन, समझ आ गई ये बात कि मुझे जाना है वहां पे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये कि वहाज यहां आएगा, मुझसे माफी मांगेगा और फिर मैं जाऊंगी। क्या होश में तो हो तुम? वहाज तो क्या कोई भी नहीं आएगा यहां, और माफी तो बहुत दूर की बात है, समझाएं इसको। डैड, मुझसे, आपकी वरीशा से वहाज ने बदतमीजी की है, माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी ना। देखो बेटा, मेरी बात मानो, इस वक्त तुम अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल चली जाओ, अपनी दादी से मिल लो। रही बात वहाज की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो बदतमीजी उसने तुम्हारे साथ की है ना, उसका बदला तुम्हारा डैड उससे लेगा। खुश? नहीं,
आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। अब जो करना है मैं खुद करूंगी। मैं वहां पे सिर्फ एक ही शर्त पे जाऊंगी, अगर वहां जी हां के मुझसे माफी मांगेगा तो मैं जाऊंगी। दैट्स इट मरीशा।